गाइस वेलकम बैक, स्वागत है सबका एक और नए ब्लॉग में। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था पिछली बार, वो ये रोड है, ठीक है। ये गुरुद्वारे के साथ ही पड़ती है रोड, बिल्कुल यहाँ से मैं जा रहा था कि भैंस की आंख, तुम्हें मैंने तारे दिखाई थी कैसे लटकी हुई रस्ते में, अब तो तुम्हारे भाई ने आज उस दिन सारी तारे साफ कर दी। और अब यहाँ से जाने में कोई सीन नहीं है, तुम कभी भी आओ यहाँ से बेफिक्र होकर आओ, तुम्हें आने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उस दिन मैंने सब साफ करी थी, अब मेरे को पता देखो कि रोड मैंने साफ करी हुई है और यहाँ पर मेरे खुद को कोई तारे नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर जा रहा हूँ यहाँ से, आराम से जा रहे हैं लेकिन हौली हौली। और मेरे को देख के बस सोच रहा है कि मैंने हेलमेट नहीं डाला हुआ, एक तो पहली बार सोच रहा हूँ और पूरा सेफ रोड पे जा रहा हूँ, और ये बस सोच रहा हूँ कि साइकिल ड्राइव पे जा रहा हूँ तो सेफ है, कि वैस की आगे अगर रास्ता जाता है बीच में से शॉर्टकट एक, वो शॉर्टकट लेंगे, वहाँ पे कैमरे लगे हुए, तो मैं चंडीगढ़ में जगह जगह कैमरे लगे रखे हैं वैस की आँख, तो बहुत बच बच के चलना पड़ता है। बाकी बच बच के चलने से मेरे को याद आया, तो मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं कहाँ गिरा था। ये जगह थी, वो इधर तार, ये लेफ्ट साइड तार लटकी हुई थी, मैं इधर फंसा हूँ और वो ये पोल तक गिर चढ़ गया था। मैं इसकी यहाँ गिरा था, बहुत गंदा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्लो था इस करके बच गया मैं, अगर तेज़ होता कोई भैंस की यहाँ गया था, काम खराब था उसका। अब लेंगे यहाँ से शॉर्टकट, जो अंदर को रास्ता जाता है, जिम जा रहे हैं, जिम में जाना है आज, लगानी है जिम में चेस्ट और ट्राइसेप, लेकिन मेरा दिल कर रहा है आज बैक लगाने का, देखते हैं चेस्ट और बाइसेप का मिक्स लगा लेंगे। और ये रहा वो शॉर्टकट, यहाँ से तुम्हारा भाई निकलता है, अब यहाँ से निकलेंगे आराम से और तुमसे करते हैं फिर जिम में जाके बात। बाकी अभी लाइक कर दो यार वीडियो स्टार्टिंग में, तुम बाद में भूल जाते हो, मेरे को पता तुम्हारी याद नहीं रहेगा, अभी वीडियो लाइक कर दो फटाफट। और अगर कोई मेरा भाई चैनल पे नया है तो ये फटाफट नीचे लाल कलर का बटन बना हुआ सब्सक्राइब का, एंड चोद खट्टे फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों भाइयों को शेयर कर दिया करो यार, मेरे को पता तुम्हें अगर बहुत पसंद आता तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। आगे आप रोड पे कच्ची सड़क से आप निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं जिम सीधा, तो मिलते हैं तुम्हें जिम में ही, कोई होएगा वहाँ पे मेरा भाई बंधु तो वर्कआउट रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं तो वर्कआउट रिकॉर्ड करना मुश्किल ही आजकल तो। चलो देखते हैं क्या बनता है, बने रहो एंड तक। Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train, I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, I'll end. तो भाइयों आज का वर्कआउट हो गया कंप्लीट, और मैंने तुमसे एक बात करनी थी। देखो जैसे कि तुम्हें पता है ना कि आई फ्लू इतना फैला हुआ है और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखने से फैलता है, या फिर कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर जो से भी हमारे घर वाले कि किसी को आंखों में ऐसा हो रखा हो तो देखना नहीं, ये चीज़ देखने से नहीं फैलती, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबको पता ही है जैसे कोरोना फैला था ना, टच करते हो किस, मान लो किसी ने आंख मली वहाँ पे टच कर दिया, फिर वहाँ तुमने टच कर लिया और फिर अपने फेस पे लगा लिया कहीं पे, और फिर पसीना वगैरह आता है, जैसे कि पता ही है जिम में अभी जितने लोग आते हैं, ठीक है। तो जिम वाले खासकर मेरे भाई ध्यान रखें, जिम जाते हो तो अपना फेस बिल्कुल अवॉइड करो टच करना, पसीना आता है आने दो, कोई चक्कर नहीं है, पसीना ही बाहर जा रहे हो ना जिम में, लेकिन पसीना आ रहा है आने दो बिल्कुल भी, हाथ नहीं टच करना मुंह पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, अनलेस तुम चाहते नहीं हो तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए और फिर तुम जिम ना हो पाओ, फिर तुम्हारा स्किप हो जाएगा जिम, ठीक है, स्किप हो जाएगा, फिर तुम्हारे गेंस नहीं होंगे, गेंस नहीं होंगे लड़कियाँ तुम्हें पसंद नहीं करेगी जिस वजह से तुम जिम जा रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक से हट गए, लेकिन भाई अपना फेस अवॉइड करो बिल्कुल भी टच करना, और इधर उधर तुम्हें पता ही इतने सारे डंबल लगे होते हैं, तुमने वही सेम डंबल पता नहीं कितने जने यूज़ करते होंगे, फिर वो डंबल तुम हाथ उठा लेते हो, इसलिए अपने हाथ ऐसे जाके पहले घर जाके वॉश करो हाथ, अपने नहाओ बढ़िया से, मतलब कि ठीक है अपने अगर नहाने का टाइम नहीं है अपने हैंड और फेस अच्छे से वॉश करो, पहले हाथ धो फिर मुँह धो, हाथ धोओगे क्योंकि हाथ हर जगह टच हो जाते हैं, मुँह नहीं हर जगह टच हुआ होता, इफ़ यू नो वट आई मीन, ठीक है। तो पहले अपने हाथ धो अच्छे से, फिर बाद में जब हाथ तुम्हारे हाथ साफ हो जाए फिर अपने मुँह धो, ताकि तुम अवॉइड करो कि हाँ गंदे हाथ तुम अपना मुँह धो, इसलिए ध्यान रखो अपना। आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल रखा है, हमारे एरिया में भी दो तीन केसेस आ गए हैं तगड़े वाले, तो बस अवॉइड करो अपना फेस कॉन्टैक्ट हाथों से, बाकी इंजॉय करो लाइफ, मस्त जिम जाओ, बाहर घूमो, ऐश मारो, जिंदगी इंजॉय करो वैन की टांग। बाकी अब मैं जिम से हो गया फ्री और निकल रहा हूँ घर को, देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो भाई यूँ ज़्यादा सीन चल रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे को बुलेट बेचना ही पड़ेगा, भैंस की आँख हर आए हर और यार नंबू भाई हर आए दूसरे दिन भैंस कोई ना कोई सीन हो जा रहा, अभी सारा ये ब्रेक पैडल इसका बिंगा हो गया, हल्का सा ऊपर चढ़ा ही रहा था, बजा कुछ इसके नीचे इसका ब्रेक पैडल बिंगा हो गया यार, मूड खराब हो जाता है भैंस की आँख, कुछ करो ना करो, बुलेट चलाया भी करूँ या ना चलाया करूँ, साइकिल पे आता रहता हूँ बढ़िया, भैंस की आँख बुलेट नहीं जीना, मजाक नहीं मजाक से हटके भाई, बुलेट ने जीना आराम कर दिया भैंस की आँख, हर दूसरे दिन से दिन कोई सीन हो जाता है। अब इसका ब्रेक पैडल जो वैन चो हो गया बिंगा, ये देखो वैन चो खोल के रख दिया यहाँ पे, बेकार ये इंजन बढ़ रहा है, देखो लंबू भाई ट्रेंड अपना, इसके शागिर्द बैठे हैं सारे यहाँ पे लंबू भाई इंजन बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ का बैच क्या चुदा पड़ा बुलेट पूरा,
यार इसका ब्रेक पैडल, ये वाले जो से मॉडल है ना, इनका ब्रेक पैडल है सबसे फुद्दू है भाई, ज्यादा नीचे है, बहुत नीचे चल जाता है भाई, ब्रेक दबाओ तो पूरे नीचे लगता सड़क पे, ज्यादा है ना इसका। हाँ कई बार मैं लीन मारता हूँ ना ऐसे लिटा के, तो बैंचो इसको ब्रेक मार के मार के, बैंचो ब्रेक नीचे सड़क पे लग जाती है, वो फुद्दू सीन है बैंचो। रॉयल एनफील्ड तुम्हारे जो नवे मॉडल है ना, एक से एक बहुत बढ़िया है उनका ब्रेक पैडल, इसका भी कर दो कुछ जुगाड़ है। तो भाई वो बुल ठीक करा के आ गया हूँ मैं, और मेरे को लंबे का फोन आया, कह रहा सैर करने जाना है, टाइम अभी हो रहा है 7:30 हो गया, और अब जा रहे हैं सैर करने के लिए, उसके घर तक जा रहा हूँ सिर्फ मैं बुलट लेके, नहीं तो मैं पैदल ही जाता हूँ, उसके घर तक जाएंगे बुलट लेके, वहाँ से निकलेंगे फिर पैदल पैदल सैर करने के लिए। बने रहो एंड तक, अगर अभी तक लाइक नहीं कराया पहले लाइक कर दो फटाफट। तो भाई वो लंबे घर पहुँच चुके हैं, और मैंने आते हुए अपना पनीर ले लिया, मैं भाई डाइट ना मिस हो जाएगा, बाकी अब इसको जाके ब्लॉकते हैं। बोलो बने रहो एंड तक। तो भाई यूँ देख लो ब्राउनी साथ बैठी है, और इसको हमने ऐसा ट्रेन करा हुआ है ना, पनीर रात में फिर भी मुंह नहीं मारेगी देख लो, जब तक इसमें बोलूंगा नहीं, जब तक मुंह में तब तक भाई ये कभी प्लेट, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तूने बोला भाई, मैंने नहीं बोला। तो भाई दिमाग ये सब मैं क्या करूं। मतलब ये हमने इस पैसे ट्रेन करा ना भाई, जब तक इसके मुंह के आगे नहीं करोगे ना तब तक ये खाएगी, इसको ऑफर नहीं करोगे जब तक, इसको ऑफर नहीं हो तब तक ये खाएगी, चाहे जो मर्जी कर दो, ऐसे पड़ा रहेगा ना, देखो ऐसे पड़ा हुआ है, खाएगी नहीं, देखो सूंघी जाएगी, खाएगी नहीं, आगे ना चल जाए बेइज्जती हो जाएगी। तो भाइयों इसको घर से उठा के अब हम जा रहे हैं सैर करने के लिए, मतलब इसे घर जाके अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ सैर करने के लिए, ठीक है। मैंने फोन का सैर करनी, फिर तू खा ले भाई, फोन तेरा आया था, तेरी मिस कॉल थी, फिर मैंने फोन करा, मैं कहा सैर करने चलते हैं, नहीं बोला किसने पहले सैर करने चलते, मैंने बोला फोन चेक तो तूने बोल दिया चल सैर, मैं कहा लौट आओ फिर फोन कर रहा हूं, तो मैंने बोल दिया ना सैर करने चलते हैं, तो मैंने बोल दिया सैर करने चलते हैं, कह रहा मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन मैंने पहले बोल दिया था, और जा रहे हैं सैर करने के लिए छत्ती। और गाइस मेरे ब्लॉग में तुमने एक शेर पूरा करना है, लाइन पूरी करनी हो, कर दे इसके एक ब्लॉग, उसका ब्लॉग देख लेना जाके, उसमें एक लाइन है वो पूरी का, एक शायरी है छोटी सी, और तुम्हें पता होगा मांग तो हो ही नहीं सकता, तो मैं ना पता, तुम्हें पता होगी तो भाई वो कंप्लीट कर देना, उसकी लास्ट लाइन हमने खाली छोड़ दी थी, वो कंप्लीट कर देना लाइन जाके, और बाकी जिम से आके टाइम था नहीं खाने खुने का, मैं बुलट ठीक कराने चला गया था, बुलट का पैडल आज नीचे लग गया यार, मैंने ब्रेक मारी, सुन तो ले वो यार उबड़ खाबड़ सड़क थी, मैं ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग ले गया था थोड़ी, सुन तो ले ब्रेक मारी यार, इनकी फुद्दू ब्रेक के हैं, मैंने की इनके पैडल पूरे नीचे जाते हैं ब्रेक मारने, जो से नवे मॉडल है ना, इतने कैंट है नवे मॉडल भाई, उनके पैडल नीचे नहीं लगते, तेरा ही जा रहा है, मेरा तो इसमें मेरे क्लासिकल नहीं जाता बिल्कुल। ओ भाई तुम चलाते कितना हो, तो ऐसी जगहों पे ले जाते हो कैसी? हाँ देख लिया मैंने भाई, बुलट लाता हूं गाड़ी, तो मैं भाई मैंने पूरा नीचे पैडल लगाया, उसका पैडल लग गया नीचे, और वो पैडल लटक गया उसका, मैंने अच्छा पैडल सही नीचे टच हो गया, हां मेरा लगा, मेरा लगा ज्यादा नीचे जाता था, नहीं नहीं नीचे टच हो गया, उसका पंप टूट गया, पर उसका नहीं पंप नहीं टूटा, उसका कुछ हो गया था, उसने ठोक ठोक के सही कर दिया, अब ओके होगी ब्रेक सारी, उसने खोला लंबू भाई, ओके रिपोर्ट बंदा, इंजन खोल के बैठा था, तो इंजन सेट कर रहा था भाई, उसके बाद अंधा होगा ना बुलट देख लो ठीक रहा, मैं तू ले दे कोई कर दियो अपना, और भाई उस पे ट्रस्ट है भाई बंदे पे। बाकी यार अब जा रहे हैं सैर करने के लिए, मोड़ा मेरा दुख गया, फटाफट लाइक कर दो इसी बात पे, क्योंकि बुलट चलो ठीक हो ही गया, और डाइट नहीं छोड़नी, जिम डेली जाना, चूत के डाइट नहीं छोड़ी तेरी बहन की। तो भाई अब मैं पनीर खाई जाता, तो लंबा कह रहा मैं क्यों पीछे रहूं, भैंस की आंख, मैं भी गन्ने का जूस पीऊंगा, गन्ने का जूस पीने आ गया अब, ये चेक करो, हाँ पैसे तू दे, वो बोल ठीक है यार, बड़ा लंडा तू, दो गिलास दे यार। तो भाई पनीर साथ में गन्ने का जूस, अगर कोई केमिकल रिएक्शन था तो उसकी केमिकल रिएक्शन की माँ की, तो भाई गन्ने का जूस कंप्लीट नहीं कर रहा मैं, इसके ऊपर 20 रुपए उधार हो जाएंगे यार मेरे फ्रेंड से, चलो साले ओ उसके पैसे कर दियो सेंड। तो भाई देखो बंदे तो हमसे वस नहीं रही, लेकिन हमने एक स्कीम सोची है, मैं कहा प्रो अल्टीमेट के बाहर खड़ जाएंगे शाम को डेली, रोज रोज जैसे ये नहीं करते लौंडे का पार्ट, तैयार चीज हो गए शाम को नहा धो के अपन तैयार हो गए ना, आप किसी पे बैठ जाएंगे, किसी पे बैठ जाएंगे, करेंगे फोन बिजी बहुत है, फोन ऐसे करेंगे बिजी बहुत है, और एक्टिंग ऐसे करेंगे जिस तरह यार मेरी कोठी ना वहाँ पे किराए पे दे रखी है, ऐसी बातें करेंगे यार, मर्सिडीज में ना ड्राइवर को दे रखी है मैंने, उसे घर पे कहीं जा रहा था घूमने, आज मैं ऑडी में चल दूंगा कोई बात नहीं, रोज कर रहा है रोज कर, ओ भाई वो छोड़ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पसंद नहीं है। अरे वो भाई वो चेक करो मैं कौन मिल गया, ओ मटाडोर सामने करण भाई, गन्ने का जूस पी रहा पीना,
अब ये हाँ बोलते ना, बोलते हम मेरे को भी एक ग्लास पिला देना। और बताओ भाई काम कैसे चल रहा? काम बढ़िया चल रहा है, तकड़क चल रहा है, जब तक चल रहा है मतलब चल रहा है, काम बढ़िया चलना चाहिए, बाकी दुनिया की माँ की चूत गया करने के लिए। वो फुद्दू बातें ना कर भाई, मेरे पैसे नहीं है, पैसे दे। ये बैठ के लोड़े तैयार रहते हैं गांड मारने के लिए। लो भाई खाओ पनीर खाओ, निकाल ले पूरे निकाल ले, बस ये खत्म कर देंगे अभी ये। अरे निकाल ले भाई पूरे ही, मैं करो पकड़ पूरा निकाल। करो आशा, मैं कहा अंशुल को ले ये साथ में। अंशुल भी आ रहा? हाँ भाई दे दो थोड़ा सा, तो भाई निकाल पूरा निकाल दिया। चलो मैं करता पूरा निकाल लो, उसमें से ले ले। भाई हेल्दी खाओ, फिट रहो, गन्ने का जूस पियो, गर्मियों में गन्ने का जूस पियो, बेस्ट अपना, सही बात नहीं है? विद वोट का बैंड का लोड़ा भी बोल कहता विद वोट का बैंड की चूत। यार करण का स्लॉट लगाओ वहाँ पे विवेक हाई स्कूल में, मैच टोपियो कह रहा हूँ, मैं कहा इनका मैच देखने चलते हैं वहाँ पे, मजा आएगा। अब ये लोड़ा जाने को तैयार ही नहीं है, गंद पा रहा है, कह रहा भाई पहले सैर करके आएंगे, 37 ही मुड़ जाएंगे रस्ते में। साले घर नहीं जा रहा, तो खेलने जा रहा, खेलने जाएगा तू, नहीं चाहिए मैं कल ही थी। भाई मेरी बात सुनना, सैंतीस जाएंगे, टाइम लग जाएगा भाई, चलना है तो चल। मैंने सोना घर जाके, मैं नहीं जा रहा हूँ यार, पागल है यार, बैंक चोकर भी मैं 3-4 घंटे सो रहा, 4 बजे दोबारा उठ जा, फिर यही चलते हैं, रहने देते सैंतीस जाने को, अपनी माँ से मैं कर जा रहा हूँ। ओ भाई यार बड़ा लंड है यार, चल फिर सैंती चले, चलो भाई ओके सैंती चलते, गेड़ी मारने चलो ओके ब्रो, करण को चीयर करेंगे, करण कलन कलन। बाकी सैंती आए यार, अब गेड़ी मार रहे हैं, गेड़ी तो क्या मार रहे हैं, पैसे चल रहे हैं, लाइफ एक्टिव, अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो एक्टिव रखो इतना हो सकता है। जिम से आया, पनीर खाया तुम्हारे सामने, फिर गन्ने का जूस पिया, अब सैर करने के लिए जा रहे हैं। तुम सोचते हो ना मैं इतना कुछ बाहर खाता हूँ, ठीक है भाई, वो बाहर खाने से ना मेरी बॉडी पता लगने लगा, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा, मैं साइकिल भी चलाता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, ठीक है, और फिर ऐसे सैर करने भी जाते हैं डेली, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए बाहर खा के, मैं कभी कभी खा भी लेता हूँ तो। लेकिन अगर तुम खाते हो तो भाई मेक श्योर कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल भी इतना एक्टिव हो। भाइयों चाँद इतना अच्छा है ना, वो देखो परली साइड दूर, आज इस चाँद को देख के मुझे उसकी याद आ गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब तुम सोचोगे याद कैसी आ गई चांद को देख के, सीन सारा ये है कि वो भी चांद जैसी थी, सिर्फ हमारे लिए नहीं चमकी, वो सबके लिए चमकती रही हमें छोड़ के, बाकी चलो कोई सीन नहीं है, हमारे लिए जो नहीं चमका वो सारी दुनिया के लिए चमक गया, हमें कोई दुख नहीं है इस बात का। अब जो अगली आएगी वो ग्रहण जैसी होनी चाहिए। तुम्हारे खानदान में धब्बा लगा दी वो बहन के, तेरी बहन की चूत लोड़े, तूने बात नहीं समझी, तेरे भाई ने जो उनकी बोली, मैंने बोला वो मेरी समझ गया ना, मैंने बोला मैं तेरी समझ गया, लेकिन वो मैं उस साइड से नहीं बोला, मैंने कहा वो एक साइड का ग्रहण होना चाहिए जो दूसरी साइड में छा कर देता पूरी, ओके ओके, और एक साइड पे रोशनी कर देता, ओके नहीं समझ आया, फिर तू लंडा है, अगर तेरे को ग्रहण पता ही नहीं कैसा मुंह में ले ले मुझे, तो चल बहुत सही, मुंह में ले ले मुझे बहुत सही। मैंने कहा चांद जैसी होनी, चांद जैसी नहीं होनी चाहिए, जो सी हमारे लिए भी चमके और बाकी सबके लिए चमके, उसमें तो बहुत थे बहन की लोड़ी में, बाकी नाम नहीं लेंगे किसी का, बाकी कोई सीन मैं लेता हूं नाम तेरी बहन की। तो भाई वो सैर करके आ गए हैं घर, और अब थक गए हैं, बस घर जाके नहाऊंगा और मैं फिर व्लॉग एडिट करके अपलोड करना तुम्हारे लिए टाइम से देखने के लिए। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो फटाफट लाइक ठोक दो नीचे जाके, अगर अभी तक भी नहीं करा मेरे लाख बार बोलने के बावजूद भी फटाफट लाइक कर दो, नीचे सब्सक्राइब कर दो अगर कोई मेरा भाई चैनल पर नहीं आया तो। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, ओके गाइस बाय।